या चक्षुरमीत येन तस्म श्रीगुर्वे नमा श्री चैतन्य मनोभांग स्थात यूतले सैम रूप कदा मयी ददातीपदा वंदेह श्रीगुरा श्रीयुता पदकमल श्रीगुरून्वैष्णवांश सागजा सहगन रघुनाथ अन्व तम सजीव साधवे तम सवधत पिजन सहित कृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादान् सहगनललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणासिन्धु दीनबन्धुजगत्पते गोपेशगोपिकान्ता राधाकान्तनमस्तु ते धप्तकाञ्चनगौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी सुते देवी पणमामि हरिप्रिय वाञ्छा कल्पतरुव्रेश कृपासिन्धुव वा एव च नाम अतीता नामपावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर अद्वैतगदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते निति नामिनि नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाणि हरे कृष्ण तो आप सब भक्तों का स्वागत है आज हम भगवत गीता ओवरव्यू कोर्स का अध्याय डिस्कस करेंगे जिसका शीर्षक है द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज परम व्यम ज्ञान तो आठ चैप्टर कवर हो चुके हमारे आज नाइन चैप्टर हम कवर करेंगे फिफ्टी परसेंट ऑफ द गीता हमने खत कंप्लीट कर लिया है तो बहुत खुशी की बात है कि हम यहाँ तक पहुँचें लॉकडाउन का बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं हम सब लोग तो पिछले अध्याय में आठवें अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो शुद्ध भक्त है उसको मेरे पे ध्यान फिट्स करना चाहिए और जो शुद्ध भट्ट है जब मेरे पे ध्यान फिट्स करता है वो अनन्य भक्ति करता हुआ वो रोशनी और अंधकार के रास्ते से ऊपर उठ जाते तो अन्य भर्ती है क्या उसको भगवान इस पूरे अध्याय में डिस्क्राइब करेंगे गीता के तीन सेक्शन में हमने जैसे चर्चा किया था कि हम बांट सकते हैं पहले छः सेक्शन कर्म योग फिर बीच का जो सात से बारह अध्याय वो भक्ति योग और तेरह से अट्ठारह अध्याय ज्ञान योग तो जो भर्ती को जो ज्ञान और कर्म से बीच में प्रोटेक्ट करके रखा गया है गीता के अंदर और ये जो अध्याय है नौवाँ और दसवाँ ये इनका भी सेंटर है तो नाइन्थ और जो टेंथ चैप्टर है पूरी भगवद गीता का मध्य में रखा गया तो ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल ज्ञान है तो इस अध्याय में भगवान मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज देने वाले हैं ये सबसे घुअ्यम ज्ञान हालांकि शुरू से भगवान ज्ञान दे रहे हैं दूसरे अध्याय से है ना आत्मा के ज्ञान से भगवान ने शुरू किया दूसरे से लेकर छठे अध्याय तक भगवान ने मैटर और स्प्रिट का ज्ञान दिया कि क्या भौतिक है क्या आध्यात्मिक है इस ज्ञान को बताया गया घुहयत ज्ञान सातवें और आठवें अध्याय में भगवान ने भक्ति का ज्ञान दिया उस ज्ञान को बताया जाता है घुितम ज्ञान घुहितर ज्ञान <coughs> और नौवे अध्याय में भगवान केवला भक्ति अनन्य भक्ति का ज्ञान दे रहे हैं बताया गया घुितम ज्ञान तो भगवान इसमें घुितम ज्ञान दे रहे हैं और ये जो अध्याय है ये सातवें अध्याय सिमिलर है जैसे हमने पहले भी चर्चा किया था कि तीसरा अध्याय और पांचवा अध्याय गीता में सिमिलर है सेम लाइंस पे ही है तीसरा अध्याय में भी सेम क्वेश्चन से शुरुआत होती है और पांचवा अध्याय में भी अर्जुन सेम सिमिलर क्वेश्चन पूछते हुए शुरुआत होती है और दोनों के सिमिलैरिटी है फ्लो में लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग का डेप्थ है वो पाँचवा चैप्टर मोर डीप हो जाता है एज़ कम्पेयर टू थर्ड चैप्टर उसी तरह सातवें और नौवें अध्याय में भी बहुत सिमिलैरिटी है उसी में सेम टॉपिक है सातवें अध्याय की शुरुआत भगवान श्रवण को या अपने ज्ञान को गुणगान करते हुए देते हैं फिर अपनी एनर्जीज़ के बारे में बताते हैं फिर अलग अलग तरह के वर्शिपर्स के बारे में भगवान बताते हैं डेमिंग गॉड वर्शिप के बारे में बताते हैं इमपर्सनलिज्म के बारे में बताते हैं और नौवें अध्याय में भी इन सब टॉपिक को दोबारा से टच किया जाएगा लेकिन विथ मोर डीप अंडरस्टैंडिंग तो आज हम इस मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज को जानेंगे ये सारी संसार में जितना भी ज्ञान है उस सबका सबसे घुहितम सबसे घुहितम ज्ञान जो है वो आज हम चर्चा करेंगे ये क्लियर हो गया है तो पूरे जीवन की हर तरह का ज्ञान का ये समम बूनम है अगर ये हमें अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई तो फिर हम लिए भट्टी करना बहुत आसान हो जाएगा और हमें पता भी चलेगा आज की वास्तव में कि चरम अवस्था क्या है ज्ञान की है ना तो भगवान पहले तीन श्लोकों में इस ज्ञान का ही गुणगान कर रहे हैं क्या कह रहे हिदम भगवान ने कहा हे अर्जुन चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते इसलिए मैं तुम्हें यह परम घुहय ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे तो कह रहे मैं तुम्हें परम घुहय्यम ज्ञान दूंगा और अनुभूति बतलाऊंगा जिससे सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। आज हर तरह की समस्या का रिजोल्व होने वाला है ये चैप्टर अगर जो भी भट्ट देख रहे हैं जिन्हें समझ आ जाए तो <coughs> अगले श्लोक में बता रहे हैं राज विद्या राजगुम पवित्रम इदम उत्तम प्रत्यक्ष आगम धर्मम सुसुखम कर तुम अव्ययम और ये ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है किंग ऑफ नॉलेज राज विद्या प्रपात ने इस पर एक बुक भी दी है जिसका नाम क्या है किंग ऑफ नॉलेज राज विद्या जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है यह परम शुद्ध और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति करवाने वाला है अतः तो यह धर्म का सिद्धांत है यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है और तीसरा श्लोक अश्वधान पुरुष धर्म परंतप अप्रप्यमा निवर्तनते मृत्यु संसार वर्तमनी है परंत जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापिस आते रहते हैं तो भगवान ने इन तीन श्लोकों में ज्ञान का इस ज्ञान को प्राप्त करने का उतारा कि कि ये ज्ञान कितना महान है तो बताया कि किन लोगों को कौन से वो लोग हैं जिनको मैं ये ज्ञान देता हूं और ऐसे कौन से लोग हैं जो इस ज्ञान का लाभ नहीं उठा पाते तो पहले शब्द श्लोक में बहुत इंपॉर्टेंट शब्द यूज हुआ है जैसे कहते हैं अनु अनुसूय क्योंकि अर्जुन भगवान से ईर्ष्या नहीं करते थे भगवान कह रहे हैं मैं आपको ये ज्ञान दे रहा हूँ क्यों क्योंकि आपके क्यों? अनुसूय वे हो आप मेरे से ईर्ष्या नहीं करते है ना तो क्योंकि आप ईर्ष्या नहीं करते इसलिए यू आर द फिट कैंडिडेट भगवान चौथे अध्याय में भी बताते हैं कि यह ज्ञान मैं आपको क्यों दे रहा हूँ क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो तुम मेरे तो जनरली हर जीवात्मा जब भौतिक जगत में आता है तो उसके एग्जिस्टेंस का मेटेरियल वर्ल्ड में सबसे बड़ा कॉज क्या है इस एन वी टू द सुप्रीम लॉर्ड भगवान से द्वेष करके आए और भौतिक जगत में भी आता है तो वो अपना द्वेष का भाव बनाए रखता है लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं कि अर्जुन का भाव कैसा था कि अर्जुन एन नहीं थे इसलिए हमें जब भक्ति करें तो हमें एक ऐसा भावना विकसित करना चाहिए कि हमें भगवान और खासकर गुरु और उनके प्रतिनिधियों के प्रति भावना होनी चाहिए कि हम हमारा उनसे नॉन एनवी वी हो क्योंकि जिनसे अगर हम ज्ञान ले रहे हैं अगर उनके प्रति हमारा एनवी है तो हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे और कभी भी वो ट्रांस ट्रांसमिशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा क्योंकि ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान तभी प्रकाशित होता है तभी निकलता भी है वटता और श्रोता के क्वालिटीज होती हैं तो यहाँ श्रोता की जो क्वालिटी बताई गई वो क्या है नॉन एनविनियस है तभी हम जिससे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उससे लाभ तभी उठा सकते हैं जब हम उसके प्रति नॉन एनवियस होंगे अदरवाइज हम उस ज्ञान का लाभ भी नहीं उठा पाएंगे और ना ही भगवान प्रेरित करेंगे वो ज्ञान देने के लिए वो रोक लेंगे वो और अगले अध्याय में इस ज्ञान की चार करेक्टरिस्टिक बताई गई ये जो ज्ञान है कैसा है राजविद्या है सभी राजाओं का विद्याओं का राजा है राजगुहिया में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है पवित्र है उत्तम भी है ये है ना ये अंधकार से आगे ले जाता है पवित्र है प्रत्यक्ष है डायरेक्ट हम देख सकते हैं सुसुख हम बहुत ही सु सुखपूर्वक किया जाता है है ना और अव्ययम इसका कभी भी नाश नहीं होता तो ये बहुत ही सुखपूर्वक किया जाता है प्रॉपर कहते हैं इस तात्पर्य में कि चैंटिंग डांसिंग और ईस्टिंग है ना कहीं पर भी बैठ जाए कान से सुनना है और उस सुनने के बाद हमें प्रसाद पाना है तो क्या ये बहुत मुश्किल कार्य है नहीं ये बहुत सिंपल कार्य है अगर आप देखें ज्ञान योग के मुकाबले ध्यान योग के मुकाबले जब व्यक्ति को अष्टांग योगी सब कुछ घर बार छोड़ के जंगल में जा रहे हैं और भ्रिक के विद्या में ध्यान अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं उससे कितना मुश्किल है वो और कितने वर्षों तक करना है ज्ञानी को स्पेकुलेशन करते रहना है कि नेती 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 नेती, नेती, नेती ये भी भ्रम नहीं है ये भी भ्रम नहीं है ये भी भ्रम नहीं है ढूंढ रहा है लेकिन यहां क्या करना है सिर्फ बैठ के दो कानों से श्रवण करना है हाथ से कीर्तन में ताली बजानी है और जीवा से प्रसाद का स्वादन करना है तो ये बहुत ही सिंपल ज्ञान है सुसुखम इसलिए कैसे किया जाता है सुखपूर्वक और अगले श्लोक में क्या बता रहे है? लेकिन कौन से लोग ऐसे हैं जो इस ज्ञान को लाभ नहीं उठा पाते जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते और ऐसे लोगों के साथ क्या होता है वह संसार में जन्म मृत्यु के बार बार आते जाते हैं रहते हैं तो फेथलेस तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम जिनसे हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उनके प्रति हमारी श्रद्धा भी होनी चाहिए एक है हमारा नॉन एनवीनियस कि हमारा द्वेष नहीं होना चाहिए और दूसरा कि उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं ना भगवान गुरु और उनके प्रतिनिधि इनके प्रति हमारा श्रद्धा होना चाहिए और श्रद्धा को कैसे विकसित कर सकते हैं और ये श्रद्धा क्या है तो श्रद्धा कहते हैं श्रद्धा शाद विश्वास के लिए सुदीर्ण निश्चय कृष्ण भक्ति के लिए कर्म कृत में तो ठीक श्रद्धा क्या है कि कृष्ण भर्ती करके सर्व कर्म कृत होते हैं ये श्रद्धा ये डिटर्मिनेशन और कैसे मिलेगी जब हम ऐसे भक्तों का संग करेंगे जिनके हृदय में वो श्रद्धा है है ना और हम देखते हैं भक्ति विनोद ठाकुर शिला प्रापात से भक्ति विनोद ठाकुर हिट सॉन्ग में भी कहते हैं श्रद्धा बिंदु दीय देव कृष्ण नामा हे वैष्णव कर जो वैष्णव है जिनके पास श्रद्धा है उनसे हमें श्रद्धा मांगनी चाहिए कि मेरे अंदर भी हृदय में वो श्रद्धा है कृष्ण के प्रति कृष्ण का जो मैं नाम जप करता हूँ मैं तो श्रद्धा है कि मेरे को इससे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है तो अगर ये हमारा श्रद्धा ऐसा हम विकसित करते हैं तो क्या होगा हम इस संसार से निकल जाएंगे और जो अश्रद्धा दान पुरुष है जिसके अंदर श्रद्धा ही नहीं है वह इस भौतिक जगत में फंसा रहेगा फिर अगले चौथे से दसवें अध्याय में भगवान अपना ऐश्वर्य बता रहे हैं। भगवान बता रहे हैं अपनी एनर्जीज़ के बारे में इस संसार से भगवान का क्या रिलेशनशिप है सातवें में बताया था अब और गहराई में जा रहे हैं तो क्या बता रहे मैं ततम इदम सर्वत जगत अव्यक्त मूर्ति न स्थानी सभूतानी न चाहम तेज अवस्थिता न च स्थानी भूतानी पश्यम मे युगमेश्वरम भूत अभृन्ना चूतेस्थ मम आत्मा भूत भावना कह रहे ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्यक्त है समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ भगवान कह रहे हैं कि ये जगत मेरे द्वारा व्याप्त है सब मेरे में है लेकिन मैं उनमें नहीं और अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं तदापि मेरे उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती है ना तो तो कह रहे हैं पहले तो सारा मेरे में व्याप्त है फिर कह रहे मेरे में व्याप्त भी नहीं है जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूं और सर्वत्र व्याप्त हूं लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं तो यहां बता रहे हैं कि सब कुछ मेरे में है लेकिन कुछ मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं थोड़ा और क्लियरली समझा पाऊंगा कि बाय मी इन माई अनमैनिफेस्टेड फॉर्म दिस एंटायर यूनिवर्स इज प्रोवाइडेड मेरी जो अव्यक्त रूप है उसमें क्या पूरा का पूरा जगत समाया हुआ है सब कोई मेरे में है, लेकिन मैं उसमें नहीं हूं और फिर बता रहे हैं और जो सब कुछ मैंने किया वो मेरे में भी नहीं है तो ये कॉन्ट्रडिक्शन दिख रही है हमें अपेरेंट कॉन्ट्राडिक्शन है ना तो पहले इन दो श्लोकों को समझते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि दिस एंटायर बाय मी इन माई अनमेफेस्टेड फ्रॉम दिस एंटायर यूनिवर्स इज परवेडेड मेरे द्वारा सारा यूनिवर्स परवेडेड पर है मैं सारे में व्याप्त हूं और सब मेरे ऊपर निर्भर है लेकिन फिर भी मैं उससे अलग हूं और मैं उस पर डिपेंड नहीं कि समिस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूं मैं उससे फिर भी परे हूं और आगे क्या बता रहे हैं कि सब कोई मेरे में है भी नहीं क्योंकि मैं सृष्टि का कारण सुनू तो इसे कैसे समझे कि आई एम इन एवरीथिंग एंड आई एम अलूफ एंड एवरीथिंग डोंट रेस्ट इन मी पहले कह दे एवरीथिंग रेस्ट इन मी फिर कह रहे एवरीथिंग डोंट तो ऐसे हम क्या समझ सकते हैं उसी तरह है जैसे मान लीजिए एक राजा है और राजा सारी प्रजा को कंट्रोल करता है लेकिन कौन करता है मिनिस्टर के माध्यम से करता है तो हालांकि सब कुछ उन्हीं पे निर्भर है लेकिन वो किसी पे निर्भर नहीं है प्रजा पे और वो हर जगह व्याप्त है किसके द्वारा अपनी शक्तियों के द्वारा जब भगवान कहते हैं मैं हर जगह व्याप्त इसका मतलब भगवान डायरेक्ट नहीं भगवान अपनी शक्तियों के माध्यम से हर जगह व्याप्त हैं लेकिन डोंट रेस्ट दीज थिंग्स आर डोंट रेस्ट इन मी लेकिन मैं फिर भी उससे हेलूफ हू है ना इसी को भगवान और आगे क्लियर करें कैसे जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहन प्रबल वायु सदैव आकाश में रहती है उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जाना तो हम अगर मान लीजिए इस आकाश को एक उल्टे बाउल की तरह समझे एक कटोरा है उल्टा पूरा आकाश तो उसके अंदर क्या है हवा है हवा उस पर डिपेंड भी है और उससे अलग भी है तो हवा की मूवमेंट हालांकि हवा पूरी तरह से डिपेंड है क्योंकि वो जितना बड़ा आकाश है उसी के अंदर उसको फ्रीडम मिली हुई है हवा को लेकिन स्टिल वो क्या है इंडिपेंडेंट है तो उसी तरह ये भौतिक जगत में हम कैसे हम भी पूरा पूरी भगवान की तरफ से मेटीरियल वर्ल्ड है उसके द्वारा उसके अंतर्गत हम समाये हुए हैं एक लिविंग एंटिटी इस भौतिक जगत में कुछ भी इच्छा कर सकता है तो क्योंकि हम इस भौतिक जगत की परिपेक्ष में समाए हुए हैं तो हम क्या हैं डिपेंडेंट है, है भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से और कृष्ण के द्वारा ही सपोर्टेड है जगत लेकिन फिर भी इस भौतिक जगत के अंदर जीवात्मा इंडिपेंडेंट है तो इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि मेरे में डिपेंडेंट भी है और इंडिपेंडेंट भी है समझ रहे बात तो यहां पर बहुत अच्छे शब्द भृन्ना भूत, भूत स्थो भूत भावना है ना भूत भृन्ना मीन्स मैं समस्त जीवों का पालक भी हूं भूत स्थो मैं विराट अभिव्यक्ति भी नहीं हूं और भूत भावना समस्त अभिव्यक्तियों का स्त्रोत में तो यहां बता रहे कि कृष्ण कैसे संसार को चला रहे हाउ ही इज मेंटेनिंग दिस एंटायर यूनिवर्स ये बताया गया चौथे पांचवे और छठे श्लोक में अब आगे बता रहे हैं कैसे वो इसको विनाश करते क्रिएटर तो और कैसे भगवान क्रिएटर है और कैसे डिस्ट्रक्टर है हे कुंतीपुत्र कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उनकी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है या मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी इच्छा से ही अंत में विनिष्ट होता है लेकिन ऐसा होता है मैं मेंटेन भी करता हूं मैं क्रिएशन भी कर रहा हूं मैं डिस्ट्रक्शन भी कर रहा हूं लेकिन फिर देखो भगवान इसका मतलब आप ही करता हुए लेकिन हमने पांचवा अध्याय में क्या पढ़ा था कि भगवान कह रहे हैं मैं किसी भी चीज का करता नहीं हूं उसी बात को भगवान यहां भी बता रहे ना चमता कर्माणी निधंती धनंजय उदासीन वत उदासीन व आसीनम असक्तम तेषु आसक्तम हे धनंजय ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं तो इसका मतलब जैसे भगवान आप क्रिएटर भी हो मेंटेनर भी हो डिस्ट्रक्टर भी इसका मतलब तो आप कर्म कर रहे हो पर कह रहे नहीं ये कर्म मुझे नहीं बांध पाते क्योंकि मैं क्यों नहीं बांध पाते क्योंकि मैं उदासीन वक्त एक्ट करता हूँ कैसे एज इफ न्यूट्रल पर्सन मैं इसमें एक्टिव रोल नहीं लेता हूँ मैं उदासीन की भांति सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूं प्रॉपाद उदाहरण दे रहे हैं कैसे उदासीन वक्त होता है कि जैसे एक उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होता है वो अपने आसन पे बैठा होता है तो वो कभी किसी को फांसी देता है किसी को कारावास देता है किसी को धनराशि दे देता है लेकिन उसको इससे कुछ लेना देना नहीं है लेकिन हर कार्य में उसका हाथ है वो इन्वॉल्व नहीं है इसे इस तरह एक और उदाहरण से भी समझ सकते हैं जिस तरह जो पुष्प होते हैं उसके अंदर गंध होती है तो गंध जब नासिका से के पास आती है तो नासिका को वो गंध अच्छी लगती है लेकिन जो नासिका है और फूल है उसका कभी संग नहीं हुआ आपस में क्योंकि वो गंध आई और नासिका ने उसे घृण किया लेकिन फूल अलग है और गंध अलग है नासिका लट जगे उसी तरह भगवान इस सृष्टि को चलाते हैं और बता रहे भगवान कि ये पूरी किस तरह से ये किस तरह से चला रहा हूं कि मैं मई अध्यक्ष न प्रकृति सुयते स चराचरम हेतु अने न जगत विपरी वर्तते हे कुंती पुत्र ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है जिससे सारे चर और अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं इसके शासन में यह जगत बार बार सृजित और विनिष्ट होता है बार बार क्रिएट हो रहा है बार बार खत्म हो रहा है फिर पुनः क्रिएशन होती है फिर पुनः डिसोल्यूशन होता है फिर क्रिएशन डिसोल्यूशन कैसे भगवान की अध्यक्षता में लेकिन भगवान इसमें इन्वॉल्व नहीं है है ना जैसे हमने फूल का उदाहरण दिया और भगवान कैसे करते हैं जब भगवान दृष्टिपात करते हैं तो सृष्टि होती है भगवान के पास क्या शक्ति है भगवान की ग्लांसिंग पावर है कि नहीं तो ऐसा बताने के और बताने के बाद भगवान बता रहे हैं हम कि लेकिन जो अब इतना भगवान सब कुछ चला रहे सृष्टि तो के तो लोगों को नेचुरली भगवान के शरणागत होना चाहिए फिर भी देखते लोग नहीं होते तो उनके बारे में भगवान क्या कह रहे हैं कि अवजानंती मामूडा मानुषम मानुषिम तनुमाश्रिता आश्रिता परम भावम आजानंत मम भूत महेश्वर कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते वो क्या समझते हैं कि निराकार ने सकार रूप ले लिया ये मनुष्य रूप में आया तो ये मनुष्य के समान है। और हम देखते हैं ऐसा नहीं कि इस जगत की साधारण बहुत ही जगत की साधारण जीवात्माएं, मनुष्य धेम में वही विविल्डर होती लेकिन बड़े बड़े देवता भी विविल्डर हो जाते हैं यहाँ तक कि जो परमेष्ठी हैं ब्रह्मा ब्रह्मा जी भी बिविल्डर हो जाते हैं कि देखते है, अरे ये जो भगवान का दो रूप है ये बालक ये कैसे आ, ये जो बालक है जो बच्चों के साथ खेल रहा है और उनके साथ आदान प्रदान कर रहा है ये कैसे मेरे स्वामी हो सकते हैं तो वो भी भूल जाते हैं वो भी बिविल्डर्ड हो जाते हैं कि भगवान का जो द्विभुज रूप है वो चतुर्भुज रूप को भी सरपास कर जाते हैं तो ऐसे लोगों के साथ जो बिविल्डर हो जाते हैं उनका क्या होता है जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वो आसरी और नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति की आशा उनके सकाम कर्म और उनके ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाता है तो वो किसी भी प्रोसेस में क्यों ना लगा कर्म कर्मयोगी हो ज्ञान योगी हो ध्यान योगी, योगी हो सभी में कुछ भी हो वो उनको उनके डिजायर रिजल्ट प्राप्त नहीं हो पाते हैं लेकिन जो मानते हैं जो बिबिल्डर नहीं होते उनका क्या होता है वो कौन लोग हैं तो बता रहे महात्मास्तु माम पार्थम देवी प्रकृति आश्रिता भजनते अन्य मनसो ज्ञातवा भूतादि अव्ययम हे पार्थ मोहमूर्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं वह पूर्णता भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी रूप के स्वरूप में जानते हैं तो वो मुझे कृष्ण के रूप में ही पहचान पाते वो मोहग्रस्त नहीं होते वो पूर्ण रूप से भक्ति में मग्न रहते हैं तो ऐसे भक्त जो लोग भक्ति में मुक्त रहते हैं उनकी क्रियाएं कैसी होती हैं हे महात्मा मेरे महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए वो भगवान के नित्य कीर्तन करते हैं दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं तो ये जो श्लोक है ये श्लोक अनन्य भक्ति का श्लोक है इसमें भगवान बता रहे अनन्य भक्ति क्या होती है वो मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हैं मेरे लिए प्रयास करते हैं मुझे नमस्कार करते हैं और भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं ऐसा कहने के भगवा, बाद भगवान और सारे जो मोहित नहीं होते वो बता दिया जो मोहित होते हैं वो भी बता दिया ठीक है चलो ये तो जो है मोहित हो गए नहीं हो गए वो ठीक है लेकिन जो दूसरी तरह से पूजा करते हैं किसी और की करते हैं उनका क्या ज्ञान ये कि तो उनका बता रहे अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं वे भगवान की पूजा उनके आद्य रूप में विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं तीन प्रकार के लोग हैं जो आद्य रूप में विविध रूपों में विश्व रूप में करते हैं एकत्वे न पृथ्वे पृथक्वे न विश्वत्मुखम एकत्वेन मीन्स जो इम्पर्सलिस्ट हैं पृथक्वेन मीन्स जो डेमिगॉड्स को ही सुप्रीम लॉर्ड मान लेते हैं विश्वत्मुखम मीन्स जो यूनिवर्सल फॉर्म को पूजा करते हैं तो एकत्वेन के बारे में श्लोक नंबर 11 और 12 में चर्चा हुई कि वो कैसे वो मूर्ख लोग हैं जो इम्प्रसलिस्ट है और उनकी जो सारे रिजल्ट है वो खत्म हो जाते हैं अब भगवान पंद्रवें से सोलह से लेकर उन्नीस तक विश्वत मुखम के बारे में बताएंगे कि जो विश्वत मुखम को कैसे हम पहचान सकते हैं और कैसे उनकी वर्शिप करें कैसे भगवान का यूनिवर्सल फॉर्म भगवान अपना थोड़ा सा बताते हैं बाकी भगवान दसवें अध्याय में अपनी यूनिवर्सल फॉर्म बताए मेरे ख्याल से हाँ दसवें अध्याय में एक मिनट विराट रूप ग्यारहवें अध्याय में भगवान और बताएंगे तो अब भगवान अपनी यूनिवर्सल फॉर्म बता रहे हैं अगले चार श्लोकों में किंतु मैं ही कर्मकांड में किंतु मैं ही कर्मकांड मैं ही यज्ञ पितरों को दिया जाने वाला तर्पण औषधि दिव्य धवनी मंत्र घी अग्नि तथा आहुति हूँ मैं इस ब्रह्मांड का पिता माता आश्रय तथा पिता पितामा हूँ मैं गेय जानने योग्य शुद्धि करता तथा ओंकार हूँ मैं ऋगदे सामदे यजुर्वेद भी हूँ मैं ही लक्ष्य पालनकर्ता स्वामी साक्षी धाम शरणस्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ मैं सृष्टि तथा परलय सबका आधार आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ हे अर्जुन मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोटता तथा लाता हूं मैं अमर तत्व हूँ तथा साक्षात मृत्यु भी हूं आत्मा तथा प्रतार्थ, सत और असत दोनों मुझ में ही है तो भगवान इस तरह से अपने विराट रूप का वर्णन करते हैं और अगले श्लोक में बताते हैं कि जो इस तरह से अब अगले जो श्लोक है 20 से लेकर 25 तक भगवान उनके बारे में बताएंगे जो पृथकवेन है जो देवताओं को ही देवी देवताओं को सर्वोपरि मानते हैं तो भगवान उनका पालन कैसे होता है जो ऐसा करते हैं वो बताया जा रहा है क्या बता रहे हैं जो वेदों का अध्ययन करते हैं तथा सोमरास का पान करते हैं वे स्वर्ग प्रति स्वर्ग प्राप्ति की गवेशा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं और इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्र सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं तो वे इस मृत्यु में पुनः लौट आते हैं क्षीर्ण पुण्य लोकम विशंति है ना इक्कीसवें श्लोक में बताया गया इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांत में दृढ़ रहकर इंद्र सुख की गवेशा करते हैं उन्हें जन्म मृत्यु का चक्कर ही मिल पाता है तो बेसिकली बता रहे हैं कि जो डेमीगॉड्स की वर्शिप करते हैं वो अगर कोई अच्छे से कर भी लेता है तो उसके डेस्टिनेशन क्या है वो स्वर्ग तक जाएगा वहां पर सोमरस पिएगा इंद्र इंद्रिय विषय भोगेगा और फिर जब वो उसके पुण्य कर्म खत्म हो जाएंगे तो दोबारा से मृत्यु संसार में आएगा लेकिन जो मेरा भक्त है उसको मैं कैसे प्रोटेक्ट करता हूँ उसकी मैं कैसे केयर करता हूं तो भगवान ये बता रहे हैं ये भी शुद्ध भक्ति अनन्य भक्ति का श्लोक है और क्या बता रहे हैं अनन्याचितनों माम ये जना परसते तेषा नित्यभुक्ता योगक्षेम वहा हिहा हाम कह रहे किंतु जो लोग अन्य अन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं उनकी जो आवश्यकताएं है होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ तो भगवान पर्सनली उन भक्त को मेंटेन करते हैं और उस भगवान उस भक्त को प्रोटेक्ट करते हैं जो कि भगवान की अनन्य भाव से ध्यान में लगे हैं पूजा में लगे हैं जो भी उनकी आवश्यकताएं है, होती हैं भगवान कह रहे हैं मैं पूरा करता हूं ऐसे नहीं बोला मैं पूरा करवाता हूं मैं पूरा करता हूं मतलब पर्सनली भगवान भक्तों को मेंटेन करते हैं और जो कुछ उनके पास है उनकी रक्षा करता हूं और मैं प्रोटेक्ट भी करता हूं है ना तो इसलिए भक्तों को अपने मेंटेनेंस और प्रोटेक्शन की कोई चिंता नहीं होती भट्ट जब साधवा भक्ति में हम लगे हैं हम जब भजन कर रहे हैं अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं तो साथ में हमारा क्या भाव होता है कि कृष्णा इज माई मेंटेनर एंड कृष्णा इज माई प्रोटेक्टर तो भगवान कह रहे हैं कि मैं ध्यान रखता हूँ और मैं पूरा कर लेता हूँ मैं उनकी रक्षा करता हूँ तो अब ये सोच इसमें प्रश्न उठता है कि फिर ऐसे भर्त तो बहुत वैसा है कि जो भगवान को अपनी सेवा में लगा रहे है, ये भी कोई भर्त हुआ भगवान से स्वयं सेवा ले रहे है। तो नहीं यहाँ पर ये भगवान को बर्डन नहीं होता भक्तों की इच्छा पूरी करने में भक्तों की रक्षा करने में है ना कि भगवान बहुत थक जाते नहीं भगवान सिर्फ अपनी इच्छा मात्र से ही कर लेते हैं लेकिन भक्तों को सर्व करके भगवान की जो इच्छा होती है वो भगवान चाहते हैं मैं भक्तों को सर्व करूँ तो इसलिए रेसिप्रोकल डीलिंग होती है और भगवान भक्तों का केयर करते उनके लिए बर्डन नहीं होता है तो इसे एक जब आचार्य ने पढ़ा उन्होंने सोचा कि भगवान लिखा इसमें उन्हें मैं पूरा करता हूँ उन्होंने काट के लिख दिया वहामी अहम को करोमी अहम कि ये वहामी नहीं है ये क्या होगा करोमी अहम मैं करता हूं करवाता हूं मैं मैं नहीं करता हूं मैं करवाता हूं करोमी अहम तो अर्जुन आचार्य वो आचार्य थे जिन्होंने क्या किया इस पर पे पेन चलाया और इसमें वहामी को करोमी कर लगता है गलत छप गया ये बुक थोड़ी सी गलत हो गई तो क्या हुआ तो वो स्नान पे जाते थे रोज़ तो ऐसा करके वो जब अपने स्नान पे गए और भिक्षाटन करने गए स्नान के बाद की अपनी परिवार चलाने के लिए ब्राह्मण थे तो भिक्षाटन करते थे और जो आता तो उससे भोज उससे अपना घर का निभ्रा निर्वाह करते थे तो जैसे वो निकले तभी दो बच्चे दो बालक उनके गेट पर आए और नोक किया उन्होंने और फिर क्या हुआ उनकी भार्य ने पत्नी ने दरवाजा खोला तो उन्होंने बोला कि हमें आपके पति अर्जुनाचार्य ने भेजा है कि आप जल्दी से ये सामान स्वीकार करिए हम आपके लिए लाए हैं और उन्होंने बोला है कि इन्हें स्वीकार करें इन्हें भोजन बनाए और नहीं किया हमने ऐसा तो क्या हमें मारेंगे तो उनको डाउट हुआ कि अर्जुन आचार्य तो ऐसे नहीं है वो तो किसी पर हाथ नहीं उठा सकते वो कैसे मारेंगे तो कहा देखिए तब एक उनमें से एक बालक ने क्या किया जो काले रंग का था उन्होंने पीछे मुड़े और अपनी पीठ पे दिखाया तो उस पर क्या थे उस पर निशान पड़े हुए थे तो उनका आप प्लीज जल्दी से स्वीकार कर लीजिए और हमें जाने दीजिए जैसे उनकी पत्नी ने स्वीकार किया वो तुरंत चले गए तो उन्होंने भोजन बनाया और खाने लगी तो जब यमुनाचार्य आए तो वो हैरान हो गए कि आज मेरी पत्नी मुझसे पहले कैसे खा रही है तो उन्होंने बताया कि देखो तुमने उन बच्चों के बालक को क्यों मारा कह रहे कौन से बालक मैंने किसे मारा कह रहे दो बालक आए थे उन्होंने बताया कि तुमने उन्हें मारा है और ये सामान भिजवाए घर में और बना के खाओ तो उन्होंने बोला कि कौन थे वो बालक बताइए मेरे को तो उन्होंने बताया कि एक ऐसे ऐसे काले कलर का था एक सफेद कलर का था तो उन्होंने कहा अरे ये तो साक्षत कौन आए हैं कृष्ण बलराम आए और फिर उन और के बताया उन्होंने पत्नी ने कि उनके पीछे निशान भी थे तो जब वहाँ गए बुक में तो उन्होंने वहाँ पर क्या लिखा उन्हें समझ आया जो पेन जो निशान उन्होंने किताब पे चलाए थे कि जो वहामी को करोमी लिखा था वो निशान भगवान की पीठ पे गए तो उन्होंने फिर उधर क्या करा वास्तव में वहामी अहम कि कृष्ण उनका पर्सनली मेंटेन करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं है ना तो जो दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं उनका क्या उनकी वर्षिप को हम कैसे कहेंगे तो भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं हे कुंती पुत्र जो लोग अन्य देवताओं के भटते हैं उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं वास्तव में वे मेरी पूजा करते हैं किंतु वो त्रुटिपूर्वक करते हैं कैसे करते हैं वो उनकी त्रुटिपूर्वक अविधि पूर्वकम और ऐसा करके हालांकि उनको डेस्टिनेशन तो प्राप्त होता है वो जाते हैं तो क्या होता है वो अपनी जो स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन उससे गिर जाते हैं है ना वो वापस पुनः बहुत ही जगत में आना पड़ता है और फिर भगवान बता रहे हैं कि उनके भट्टों के साथ क्या होता है अलग अलग वर्षिपर्स के साथ क्या होता है और उनके भट्टों के साथ क्या होता है या वृतान देवान पित्र पित्र भूता नियांति भूते जिनो अपी माम कि जो देवताओं की पूजा करते हुए देवताओं के पास जाते हैं पितरों की करते पितरों के पास जाते हैं भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वो उनके बीच में जन्म लेते हैं और जो मेरी पूजा करता है वो मेरे साथ निवास करते हैं तो भगवान बता रहे हैं कि सब लोग अलग अलग जगह जाते हैं जिस तरह से जहाँ की आप ट्रेन की टिकट लेंगे हमने पहले भी उदाहरण दिया था हम उसी तरफ जाएंगे अगर कोलकाता की ट्रेन के टिकट लिए कोलकाता जाएंगे चेन्नई के लिए चेन्नई जाएंगे कन्याकुमारी के लेंगे कन्याकुमारी जाएंगे ऐसा नहीं हमने कन्याकुमारी के टिकट लिए हम जम्मू पहुंच गए कोलकाता के लिए बॉम्बे पहुंच गए तो जो देवताओं की पूजा करता है वो देवताओं तो का रास्ता अलग होता है और ये अविधि पूर्वक है तो इसलिए ये कहना कि सभी पार्क एक ही तरफ जाते हैं ये सही नहीं है हमें अगर भगवान की वर्षिप करेंगे तभी हम भगवान के पास जा पाएंगे तो अगर भगवान की वर्शिप करते हो भगवान क्या स्वीकार करते हैं कैसे उनकी वर्शिप कर सकते हैं अब जो श्लोक हैं 26 से लेकर 34 ये प्योर भक्ति के वो श्लोक हैं और पूरा भगवान अब इसमें भक्ति के बारे में और भक्ति की महिमा बता रहे हैं भक्ति का गुणगान कर रहे हैं तो कह रहे हैं मैं कैसे मेरे को आप कर सकते हो क्या मेरी इच्छाएं हैं क्या मुझे आप अर्पित कर सकते हो तो भगवान बता रहे हैं भत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या परछती तदहम भर्ती उपहारितम अशनामी पर्यत आत्मना क्या आप मुझे क्या करो पत्ता दे दो कोई एक पुष्प दे दो कोई फल दे दीजिए थोड़ा सा जल दे दीजिए यहाँ तक कि भगवान कह रहे चारों भी मत दो कोई भी एक चीज दे दीजिए क्यों क्योंकि हालांकि भगवान तो सर्वलोक महेश्वर है उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मांग रहे हैं क्यों क्योंकि भगवान इसमें मांग रहे हैं भक्ति इस श्लोक में दो बार भक्ति को बोला गया भक्त्यामाम अभी जानती है ना सॉरी भक्तिया पर और भक्ति उपारित अषनामी पर्यतम तो भक्ति शब्द पे जोर दिया गया क्योंकि भगवान प्रेम स्वीकार करते हैं कृष्ण इज हंग्रीफ फॉर लव तो भगवान इन वस्तुओं के माध्यम से प्रेम का आदान प्रदान करते हैं तो इसलिए कह रहे हैं बहुत ही कुछ भी दे एक पत्ता दे दीजिए पुष्प दे दीजिए फल दे दीजिए जल दे दीजिए है कि नहीं और यहाँ पर बता रहे हैं कि, कि किस तरह से यहाँ पर भगवान मटनम चिकनम कुछ नहीं मांग रहे ना अंडा मांग रहे ना मटन मांग रहे ना चिकन मांग रहे भगवान भगवान ने पुष्प फल तो सिंपल सिंपल कर दिया और इतना सिंपल बना दिया कि एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी भक्ति कर सकता है तो जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो क्या है कृष्ण को कृष्ण भक्ति के पीछे भूखे हैं कृष्णा इज हंग्री फॉर द लव यही एसेंस है ना और यही एजेंशियल क्वालिटी है जो व्यक्ति सिर्फ ऑफरिंग करते हुए नहीं देता इस एजेंशियल क्वालिटी को भक्ति को भक्त जो है वो हर कार्य में कर रहा है जब भी वो कोई कार्य कर रहा है तो वो इसीलिए कार्य करता है कि मैं इससे कृष्ण और गुरु को प्रसन्न कर पाऊं और यही वो भगवान ढूंढ रहे हैं भगवान इसी को मांग रहे हैं इसी का भगवान डिमांड करते हैं लेकिन सारे भक्त इस लेवल पे नहीं है जो इस लेवल पे नहीं है तो उस भगवान कह रहे हैं वो क्या करे वो अगला श्लोक अब क्या करो यद करोषि यदश नासी यद जूहोशी ददासी यथ यद, यद तपस्या कौंतेश तत्कुरुष मत अर्पणम हे कुंती पुत्र तुम जो कुछ करते हो कुछ खाते हो कुछ अर्पित करते हो दान देते हो जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो तो ये हमने जैसे निष्काम कर्म पढ़ा था उसमें क्या था कि व्यक्ति कार्य करता है और फिर कार्य के फल को ऑफर करता है किसी ट्रांसडेंटल पर्पज में लेकिन यहाँ पर भगवान बता रहे हैं ये ऐसा निष्काम कर्म योगी है जिसमें भगवान ने कहा कि वो सीधा मुझको दो बस तो हालांकि इस ये जो लेवल है इसमें प्योर भक्ति नहीं है क्योंकि इसमें जो कार्य कर रहा है वो व्यक्ति अपनी इच्छा से कर रहा है वो कार्य से आसक्त है वो आ, वो क्रिया करना चाहता है लेकिन वो फल किसको दे रहा है अब कृष्ण को दे रहा है तो इस श्लोक में कार्य अपने अनुसार कर रहा है लेकिन जो फल है उसका वो भगवान को अर्पित कर रहा है लेकिन जो भक्ति होती है उसमें क्या होता है पहले सरेंडर होता है वो जो कार्य भी है वो गुरु और कृष्ण के आदेश, आदेश के अनुसार करते हैं और जो उसका फल भी है वो भी भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं तो ये है भक्ति कि कार्य भी भगवान की प्रसन्नता के लिए और फल भी प्रसन्नता के लिए लेकिन अगर ये नहीं कर सकते तो ये करिए कि कार्य कर रहे हो लेकिन उसको अर्पित करो सीधा कृष्ण को उसको कहीं और अर्पित मत करिए है।, है कि नहीं जो खाते हैं जो अर्पित करते हैं जो भी दान दे रहे हैं जो तपस्या कर रहे हैं जो भी कुछ करते हो सिर्फ किसके लिए करो के लिए तो उससे क्या होगा इस तरह तुम कर्म के बंधन और शुभ आरु शुभ फलों से मुक्त हो सकोगे इस सन्यास योग में अपने चित्त को स्थित करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे और ऐसा करके तुम मुक्त हो जाओगे क्योंकि जो इस तरह का कार्य है सन्यास योग युक्त आत्मा तो सन्यास का मतलब है त्यागना योग का मतलब है जोड़ना तो सन्यास मतलब हमें जो मैटर है उसका त्याग करना है और अपने आप को स्प्रिट से जोड़ना है यही सिद्धांत शिलारूप गोस्वामी ने दिया युक्त वैराग्य के नाम से कि जो हमें युक्त होना है जो कार्य करने हैं वो हमें सुपीरियर डायरेक्शन के अंदर करना है भगवान और गुरु के निर्देशन उनके प्रतिनिधियों के निर्देशन में और जो उनके फल हैं उससे हमारा वैराग्य होना चाहिए दिस इज कॉल्ड युक्त वैराग्य तो उससे क्या होगा हम कर्मों के बंधन से और शुभ अशुभ फल से मुक्त हो जाएंगे तो ये हाँ पर बताया गया जब हम इस तरह का कार्य करते जब तरीके रिनाउंस कार्य करते हैं तो उससे हृदय शुद्ध होता है हमारे स्पिरिचुअलेशन आती है और फिर व्यक्ति पूर्ण रूप से शरणागत होकर भगवान से अनं भक्ति में लगेगा तो ठीक है ये तो लेकिन भगवान आपने पहले बताया था कि आप अपने भक्तों की रक्षा करते और जो दुष्ट दुष्ट है उनका विनाश करते हो पर ऐसा इसका मतलब तो आप पार्शल हो पर आप तो सबके पिता हो आपको पार्शल नहीं होना चाहिए तो फिर भगवान ये श्लोक बोलते हैं सबो अहम सर्वभूतेशु नामे अस्ति ते द्वेश अस्ति मे प्रिया ये भजंती तुम आम भत्या मई तिथेशु चापी अहम कह रहे मैं किसी से द्वेष नहीं करता मैं पक्षपात नहीं करता हूँ भगवान कह रहे हैं मैं किसी से पक्षपात नहीं करता लेकिन तो ये पहला जो आधा श्लोक है उसमें यही बता रहे कि मैं इम पार्शल हूँ और दूसरे श्लोक में क्या बता रहे मैं पार्शल भी हूँ ये भजन थे तू माम भक्त मई ते तेसू ते कि लेकिन जो मेरे भट्टो जो मेरा क्या करता है मेरा भजन करता है जो भट्टी पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरे में मित्र है मुझ में स्थित है और मैं उसका मित्र हूँ तो ये जो है ये पार्शियलिटी नहीं है ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं ये है ये वास्तव में रेसिप्रोकेशन है एक भट्ट और भगवान के बीच में आदान प्रदान भगवान गीता के चौथे अध्याय के ग्यारहवें श्लोक में भी बोलते हैं ये यथम प्रपदनते तांस ते तो ये रेसिप्रोकल डीलिंग है और इससे ये जो हमारी फिलोसफी ऑफ पर्सनलिज्म की ये स्टेब्लिश होती है कि भगवान एक व्यक्ति है और व्यक्ति है तो वो आदान प्रदान करता है जिस तरह से एक जो महान व्यक्ति है वो सभी बच्चों के प्रति उदार होता है लेकिन वो अपने बच्चों के प्रति कुछ खास भाव रखेगा ज्यादा उदार होगा एक राजा पूरी प्रजा का ध्यान रखता है लेकिन जो उसके मेन कैबिनेट मंत्री से उनका स्पेशल ध्यान रखेगा है ना और भगवान कह रहे इम्पार्शियल कैसे है? कि जिस तरह से जो बादल होते हैं वो हर जगह वर्षा करते हैं उसी तरह से भगवान भी इम्पार्शियल है तो जब बादल होते हैं वो वर्षा हर तरह के उस पर करते हैं वो चाहे कटीली झाड़ियों का पेड़ हो चाहे वो फल हो चाहे गेहूं हो चाहे गन्ना हो चाहे बांस हो हर जगह हर बीज को उससे मिलता है लेकिन तो इस तरह भगवान इम्पार्शल है और भक्तों के प्रति रेसिप्रोकल है है ना? तो भगवान इस तरह से बता रहे कि मैं इम्पार्शल हूं लेकिन अगर कोई व्यक्ति भक्त कोई गलत काम करता है झघन्य कार्य करता है ऐसा कार्य जो उसे नहीं करना चाहिए था तो क्या करता हूं मैं तो मैं उसकी रक्षा करता हूं भगवान बता रहे हैं ऐसा अपीचे सो दुराचारो भजन्ते माम अनन्य भक्त साधुरे सब मंतव्य सम्यक व्यवस्थित हो हिस्सा कि मान लीजिए आपका जो भक्त है वो आपकी भक्ति तो कर रहा है लेकिन साथ में क्या कर रहा है गलत कार्य भी कर रहा है तो उसको साथ आप क्या करते हो उसके साथ उसको मैं प्रोटेक्ट करता हूँ और उसको प्यूरिफाई करता हूँ क्योंकि वो मेरा भट्ट है और अपीचय सो दुराचार हो सकता है वो जघन्य कार्य करता हो लेकिन क्योंकि उसका सबसे बड़ा क्वालिटी क्या है भजनते माम अनन्य भक्त उसने मेरी एक मेरी ही में लगा है तो मैं उसको अपलिफ्ट कर देता हूं और उसको प्यूरिफाई कर देता हूं। दुराचारी नहीं है वो क्या है? साधु है सम्यक व्यवस्था क्यों साधु है क्योंकि वो शीघ्र ही शुद्ध हो जाएगा तो इसलिए हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि कैसे है ना हाँ कि यहां जो भगवान बता रहे हैं ये भट्ट भा, भक्तों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक श्लोक है लेकिन इसका हमें गलत अर्थ नहीं लेना चाहिए प्रेरणादायक कैसे कि अगर भक्त से भक्त से अगर इंसिडेंटल कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो भगवान उसे क्षमा करते हैं एक इंसिडेंटल है और एक इंटेंशनल तो कृष्णा टेक केयर ऑफ इंसिडेंटल मिस्टेक्स अगर हमारे से कोई जाने अनजाने में गलती हो जाती है किसी भट्ट से एक्सीडेंट बाय मिस्टेक कोई गलती हो जाती है तो कृष्णा फॉरगिव करते हैं कृषि देखते हैं कि व्यक्ति भट्ट से गलती हुई वो उसके लिए पछता रहा है पछता रहा है और तपस्या कर रहा है और वो शीघ्र ही ठीक हो जाएगा तो हमें जो भी भट्ट हैं अगर हमसे कभी भर्ती करते हुए गलती भी हो जाती है हमें पता है कि हमें भट्टी के मार्ग पर नहीं करना चाहिए और हमसे हो गया तो तुरंत उस भट्ट को क्या करना चाहिए उसे बहुत पछताना चाहिए उसे रिपेंट करना चाहिए हिजगरत सुर्खमुनि कृषि जी बताते हैं कि जो मिस्टेक है उसको चार तरह से चार स्टेप होते हैं उसे डील करने के पहला क्या है उसे रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए कि अगर हमसे गलती हुई तो हमें रिकॉग्नाइज करें पहचान लें तो इसलिए कॉन्शियस होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं कोई हम गलत तो नहीं कर रहे या कोई हमें बता दे तो रिकॉग्नाइज हो जाने में मिस्टेक तुरंत उसके बाद क्या करना चाहिए हमें रिपेंट करना चाहिए पछताना चाहिए खूब एक साधक भट्ट को अपनी गलतियों के लिए पछताना चाहिए कि मैं भट्ट समाज में हूँ और इतना अच्छा समाज है लेकिन फिर भी मैं गलतियां कर देता हूँ है ना मेरी अवस्था भी बहुत गिरी हुई है तो उस भट्ट को चाहे वो कोई भी तरह के नियम कभी साधना में पूरी नहीं कर पा रहा हो चाहे चार नियम नहीं पालन कर पा रहा हो तो उसे क्या करना चाहिए पछताना चाहिए या और भी किसी प्रकार के नियम नहीं कर पाए तो उसे खूब पछताना चाहिए हृदय से तो फर्स्ट स्टेप इज रिकॉग्नाइज सेकेंड इज रिपेंट थर्ड इज़ रेक्टिफाई उसे फिर सुधारे है ना उस गलती को ठीक कर ले तुरंत उस पर आर्ग्यूमेंट ना करें उसे अपने आप को प्रोटेक्ट ना करें डिफेंड ना करें उसे रेक्टिफाई कर ले ठीक है मुझसे गलती हुआ मैं उसे रेक्टिफाई कर लेता हूँ और फोर्थ है री स्टेट दोबारा से स्टेटमेंट ले दोबारा वो लें कि ठीक है अब मैं फिर से पुनः लगूंगा अब मैं री स्टेट करता हूँ कि मैं दोबारा गलती नहीं करूँगा तो इस तरह से हमें गलती के साथ करना चाहिए और इसका गलत लाभ ये नहीं उठाना चाहिए कि भगवान तो माफ़ कर देते तो मैं गलती करूँगा इंटेंशनल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए क्योंकि इंटेंशनल होती है तो वो सातवां नाम अपराध है नाम के बल पर पाप करना तो वो सातवां अपराध बन अपराध बन जाता है तब फिर वो पाप नहीं रहता फिर वो क्या होता है अपराध बन जाता है और भगवान आगे फिर और गुणगान कर रहे हैं इसी चीज का कि कैसे वो प्रोटेक्ट करते हैं भगवान भट्ट को शिप्रम भक्ति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगत क्षति कौन त्याजान ही नाम भट्ट क्षति कि शिप्रम भक्ति धर्मात्मा क्यों ऐसा व्यक्ति साधु है कि ठीक है ये तो मान लिया कि वो उसने गलती करी और गलती करी तो ठीक है जब गलती कर रहा है तब तो उसे दुराचार देखना चाहिए बाकी टाइम जब गलती नहीं कर रहा तब साधु है है ना लेकिन कह रहे साधु रेव उसे साधु ही मानो हमेशा ही वो साधु है ऐसा नहीं जब गलती करी तब साधु रही साधु रेव समतव्य क्यों माने साधु क्योंकि कैसे इस इतने दुराचारी व्यक्ति को साधु मान ले क्योंकि शिप्रम भक्ति धर्मात्मा वो बहुत जल्दी धर्मात्मा बनने वाला है शाश्वत शांति निकल जाती और वो शांति को प्राप्त हो रहा है भगवान इसमें कह रहे हैं ये तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थाई शांति को प्राप्त होता है इसमें ये नहीं कह रहे कि बहुत फ्यूचर में जाके धर्मात्मा बनेगा इसमें प्रेजेंट टेंस यूज किया जा रहा है कि वो धर्मात्मा बन जाता है जैसे वो पछता रहा है और फिर क्या हो गया वो दोबारा से रिस्टेट कर देता है तो फिर से वो धर्मात्मा वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है हे कुंती पुत्र इसलिए क्या करो निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भट्ट का विनाश न था तो इस आचार्य गण बताते हैं कि ठीक है ये तो जो बट्टी छोटा छोटा गलती करता है और गलती करके सुधर जाएगा वो तो शिप्रम भक्ति धर्मात्मा हो गया वो तो धर्मात्मा बन गया और स्थाई शांति प्राप्त कर लेकिन उसका क्या जो पूरा जीवन गलत कार्य कर रहा है तो अब भगवान कृष्ण को गुस्सा आ गया है कि नहीं भगवान थोड़ा सा गुस्से में देखते हैं अर्जुन की तरफ बोलते हैं जाओ अर्जुन तुम उन सब लोगों को डिक्लेयर करो जो सोचते हैं कि मेरा भक्त पूरा जीवन करता है फिर भी अगर कोई ऐसा पूरा जीवन भी करता है तो भी क्या है नाम है भट्ट पणिशक्ति उसका कभी भी विनाश नहीं होता क्योंकि वो मेरा भट्टा है कुंतीपुर तुम जाके डिक्लेयर करना आचार्यगण बताते हैं भगवान ने कुपुत अर्जुन को बोला डिक्लेयर करने के लिए क्योंकि भगवान को पता था अभी युद्ध होगा और मैं क्या करूंगा भीष्म पितामह जो मेरा भट्ट है उसके वचनों को जो मैंने प्रतिज्ञा ली है उसके वचन रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ूंगा तो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ूंगा और मैं अभी ये कह रहा हूँ तो लोग हंसेंगे लोग कहीं विश्वास नहीं करेंगे इसलिए उन्होंने अर्जुन से बुलवाया कि अर्जुन तुम बोलो क्योंकि मैं अपने भक्तों के वचनों की रक्षा करता हूँ मैं अपने वचन को भले ही तोड़ देता हूँ लेकिन मैं अपने भक्तों के वचन को कभी नहीं तोड़ता हे कुंती पुत्र आप डिक्लेयर कर दीजिए कि अगर कोई पूरा जन जीवन भी नहीं ठीक हो पाया तो भी उसका कभी विनाश नहीं होगा उनका तो छोड़ो जो अपनी कंडीशनिंग के कारण पुरानी आदतों के कारण हृदय में गलत वासनाओं के कारण पाप कार्य में, में लग जाते हैं उसका एक्सीडेंटल फॉल डाउन हो जाता है क्योंकि अभी हम भक्ति में लग गए और पूरी तरह से शुद्ध नहीं है हमारे अंदर पुराने जन्मों के संस्कार हैं तो उसके कारण एक भक्त की सिंसियर इच्छाएं होने के कारण भी वो कई बार गिर जाता है चुत हो जाता है और ऐसा व्यक्ति को धर्मात्मा बता रहे हैं भगवान कह रहे हो दुराचारी मत देखो तो ये तो हो गया उसका ऐसा इंसिडेंटल जो उसके फॉल डाउन हो रहे हैं उसकी कमी है इंसिडेंटल लेकिन जो उसकी इन्हेरियंट है उसकी जन्म से ही अगर उसके अंदर दोष है तो ऐसा व्यक्ति के साथ क्या होता है मामी पार्थ व्यपाश्विता ये अपी शु पाप योनिया स्त्री वैश्य तथा शूद्र ते अपि परम गांति हे पार्थ जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्म स्त्री वैश्य तथा शूद्र क्यों ना वे परम धाम को प्राप्त होते हैं तो अगर किसी का नीच जन्म भी हुआ है वो भी मेरी भक्ति करके परम धाम को जा सकता है तो फिर उनके बारे में जो कि बहुत क्वालिफाइड है उनका तो कहना ही क्या फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों भक्तों तथा राजऋ ऋषियों के लिए तो कहना ही क्या अतः इस क्षण दुख में संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ तो यहां पर प्रेमा भक्ति की महिमा को स्थापित करने के बाद अब भगवान आखिरी श्लोक जो कि पूरी भगवद गीता का मिडल वर्ष है हमने चर्चा किया कि नोवा दसवें अध्याय जो है बीच में रखा गया है दोनों पूरी गीता का सबसे मिडल भाग है और उन दोनों नोवे दसवें अध्याय का भी जो मिडल श्लोक है वो है नोवे अध्याय का चौतीसवा श्लोक और ये पूरी गीता का पूरी गीता का सार है पूरी गीता का एसेंस है और इसलिए इसे सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखा गया, इसको गीता के बिल्कुल सेंटर में रखा गया है क्योंकि मादिया तो कैसे कैसे मन तो, माद जी माम नमस्कार आत्मा नाम प्रायण अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ मेरे भक्त बनो मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो इस प्रकार मुझे पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त हो तो ये जो श्लोक है गीता का सार है और भगवान ने इसे सबसे प्रोटेक्ट करके कर रखा यही परम घुहम ज्ञान है और इतना घुहयम ज्ञान है कि भगवान इसी ज्ञान को दोबारा गीता के अंत में 18वें अध्याय के पैंसठवें श्लोक में फिर दोबारा इसे दोहराएंगे और उसे दोहराने से पहले भगवान अट्ठारहवें अध्याय के चौसठवें श्लोक में दोबारा से बताते हैं कि ये जो ज्ञान है ये कैसा है कि अभी मैं क्या कर रहा हूं अर्जुन सर्वघु तमम भूया शिणु में परम वचा कि मैं तुम्हें परम आदेश जो सर्वाधिक गुह ज्ञान है बता रहा हूं दोबारा से बता रहा हूं मैंने पहले भी दिया था कहां दिया था नौव्याय में दिया था और अब दोबारा बता रहा हूं वो क्या है मन मना भद मद भट्टो तो, मा दियाजी ममस्करु मामेव मा शि सत्यम ते प्रति जानो प्रिय असी में तो यही सेम श्लोक को भगवान दोबारा रिपीट करते हैं और यही श्लोक गीता का सार है तो प्रभपद बताता है कि हमें क्या करने है सिर्फ चार वर्ड याद रखने हैं क्या चार वर्ड है मन मना भव मद भक्तो अपने मन को मन मना पहला है मन मना मेरे को अपना मन दो मद भव मद भट्टो तो, मेरे भट्ट बनो तीसरा मध्याजी मेरी वर्शिप करो और चौथा माम नमस्कार मुझे पर कट करिए और यही चार वर्ड्स पूरे गीता का एसेंस है ये चार वर्ड किसी को आ गए तो प्रौपत कहते हैं कि ही कैन बिकम अ प्रीचर आप कुछ नहीं करना सिर्फ कृष्ण के शब्दों को दोहराना है तो ये जो नौवाध्याय ये परम घुहयम ज्ञान है द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज और इसमें भगवान ज्ञान का गुणगान करने के बाद भगवान बता रहे कैसा उनके भौतिक जो जो क्या उनका क्रिएशन है उसको कैसे वो मेंटेन करते हैं क्रिएट करते हैं उसको कैसे डिसल्यूट करते हैं कैसे उसका क्रिएशन मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन देते हैं और फिर भगवान अलग अलग वर्षी के बारे में बताने के बाद फाइनली 26 से 34 श्लोक में भक्ति की स्टेब्लिश करते हैं कैसे भक्ति कितनी सर्वश्रेष्ठ है कि अगर किसी में भक्ति में होने के बाद अगर कोई दोष भी है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं भगवान अनन्य भक्त के पूरा पालन भी करते हैं उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं और भगवान भट्ट की रक्षा भी करते कमियों से और हमें कैसे भक्ति करनी है इन चार शब्दों के माध्यम से मन मना भगवान को मन देना मद या भगवान की वर्षिप करनी है मद भट्ट तो भगवान के भक्त बनना है और उनको नमस्कार मम नमस्कार और उनको प्रणाम करना है तो इन चार को हम करके अपने जीवन को सक्सेस बना सकते हैं यही शुद्ध भक्ति है ये अनन्य भक्ति है जो इस अध्याय में दी गई ये परम घीम ज्ञान है और इसको करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं हरे कृष्णा किसी का कोई प्रश्न जी क्या सर कृष्णा इज कंट्रोलर सो कुड अ पर्सन ट्राई टू कंट्रोल हिज यंगर वन कृष्णा अगर संपूर्ण कंट्रोलर है तो क्या कृष्णा को अपने यंगर वन को प्रोटेक्ट करना चाहिए सॉरी uh, कंट्रोल करना चाहिए तो भगवान है तो क्या हम मैं क्वेश्चन समझ गया कि व्यक्ति कर सकता है क्या अपने यंगर वन को तो प्रपात बताते थे उनके पिताजी भी प्रौपात को डांटते थे और श्री चैतन्य महाप्रभु के पिताजी भी आ, क्या नाम है इनका सचिन माता और श्री श्री चैतन्य महाप्रभु सा उनके पिताजी भी उनको बोलते थे कि जगन्नाथ मिश्र बताते थे कि मेरा ये कर्तव्य है कि मैं तुमको सही मार्ग पर लगाऊं तो हमारी यंगर वन के प्रति ड्यूटी है उनको प्रोटेक्ट करना उनकी केयर करना तो निश्चित रूप से हमें करना चाहिए पर कंट्रोलर की भावना से नहीं एक सेवक की भावना से कि मैं उनका दास हूँ और मैं सेवक हूँ मेरे यंगर वन है वो सही मार्ग पर चल पाए ये मेरे को एक ड्यूटी असाइंड है क्योंकि मैं सीन एल्डर हूँ मैं बड़ा हूँ तो उस एक ड्यूटी के माध्यम से करें अनासक्त होते हुए है ना कई बार हम इतना कंट्रोल कर उसे कंट्रोल करना चाहते हैं और वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं तो कंट्रोल नहीं करिए उनको गीता के सिद्धांतों के हिसाब से आपका कर्तव्य उसका जरूर निर्वाह करिए लेकिन उसके बाद उसकी स्वेच्छा है वो आपकी बात माने या ना माने हम उसे समझा सकते हैं उसको केयर कर सकते हैं उसको लव कर सकते हैं अपने आचरण से सिखाए और सबसे बेस्ट तरीका सिखाने का अपने आचरण से सिखाइए है।, है ना जो गीता का तीसरा अध्याय का इक्कीस श्लोक में हमने चर्चा की थी यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्त तिवत अनुजन सायत प्रमाणम करते लोकस्त अनुवर्तन है अगर उसे वो कोई गलत कार्य कर रहा है और आप चाहते हैं वो सही कार्य करे तो उसे अपने पर्सनल एग्जाम्पल से सिखाइए दैट इज़ द बेस्ट टीचिंग पर डंडे से डर के मारे धमका के ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चलता जो छोटा है तो तो थोड़े टाइम कर लेगा लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो रिपेयर ही करेगा तो इसलिए अपनी पर्सनल केयर और प्रोटेक्शन निश्चित रूप से हमें करनी हमारा कर्तव्य है लेकिन हमें सीखना है हमें उसे कैसे करना है और साथ में उसके पीछे मूड होना चाहिए मैं इसका सेवक हूँ मैं इसका मालिक नहीं हूँ स्वामी नहीं हूँ मैं दास हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ कैन अल्ड ऑफ टाइम बहुत अच्छा प्रश्न है क्या कृष्ण काल है और अगर काल है तो कैसे व्यक्ति वेस्ट कर सकता है तो अभी अगले अध्याय दसवें ग्यारहवें अध्याय में आएगा कैसे कृष्ण काल है तो उसमें ये चर्चा कर सकते हैं कि कैसे कृष्ण समय और कैसे कोई कृष्ण को बर्बाद कर सकता है वास्तव में हम कृष्ण को बर्बाद नहीं करते हम अपने आप को ही बर्बाद कर रहे हैं अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं जब हम कृष्ण से कनेक्ट नहीं है तो so, कृष्ण को नहीं बर्बाद करते हैं। हमने क्या किया उस जो कृष्ण भावना भावित ना हो के अपना जीवन व्यर्थ कर दिया प्रभु ब्रह्म परमात्मा और भगवान में डिफरेंस बता दीजिए प्लीज तेज बोली क्वेश्चन भगवान, आकार, भगवान, आकार, है? भगवान आकार, है है? आकार है या निराकार है बहुत अच्छा प्रश्न आपका तो प्रभु जी बहुत अच्छा प्रश्न आपका कि भगवान आकार है या निराकार है तो वास्तव में भगवान दोनों है भगवान आकार भी है भगवान का निराकार भी है लेकिन भगवान की तीन लेवल की अंडरस्टैंडिंग है पहले है निराकार उसके बाद है परमात्मा और उससे ऊपर है साक्षात कृष्ण साकार रूप में तो निराकार सबसे पहली अंडरस्टैंडिंग है सेकंड अंडरस्टैंडिंग जब और मैच्योर होगा व्यक्ति उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी वो क्या है परमात्मा लोकेलाइज्ड फॉर्म है फिर क्या होगा तीसरी क्या जो भगवान है वो पर्सनैलिटी है प्रॉपर इसका उदाहरण देते थे जिस तरह से सूर्य की किरणें होती है सूर्य का ग्लोब है उसको क्या कहेंगे ग्रह, ग्रह और तीसरा सूर्य के अंदर सूर्य भगवान है तो जो सूर्य की किरणें हैं वो उसी तरह से निराकार की तरह है और जो सूर्य का ग्रह है वो परमात्मा की तरह लोकलाइज्ड है और जो उसके अंदर रहने वाले भगवान है वो भगवान की पर्सनल फॉर्म है सकार रूप है तो पर बिना सकार रूप के निराकार रूप नहीं है सन के बिना सनशाइन नहीं होता सनशाइन का अपने आप अस्तित्व नहीं है भगवान चौदवे अध्याय के 27वें श्लोक में भी कहते हैं मैं आपके लिए पढ़ देता हूं चौदवे अध्याय का सत्ताईसवा श्लोक एक मिनट तो आप नोट कर लीजिए आप भी पीछे से अपना पढ़ सकते हैं ट्वेंटी श्लोक जिसमें भगवान कह रहे हैं मैं ही उस निराकार भ्रम का आश्रय हूं तो मैं भ्रम का आश्रय हूं भ्रमणों ही प्रतिष्ठा अहम कि मैं ही उसकी प्रतिष्ठा मैं ही उसका सस्टेनेंस हूं तो विदाउट सनशाइन सन कैन नॉट एक्स विदाउट सन सनशाइन कैन नॉट एग्जिस्ट तो विदाउट लॉर्ड इन पर्सनल फॉर्म कैन नॉट एक्जिस्ट तो दोनों साइमिलसली प्रेजेंट है अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जो लोग भगवान की साकार फॉर्म नहीं मान पाते उनको चैलेंज क्या आता है क्योंकि जो हमें हमारा अनुभव है भौतिक जगत में वो क्या है कि भगवान कैसे की जो फॉर्म होती है वो कैसी होती है पेरिशेबल होती है हम देखते हैं सारी की सारी जो फॉर्म है चाहे वो कुर्सी है माइक है माइक्रोफोन है शरीर है सब खत्म हो जाता है थोड़े समय बाद है ना उनका विनाश होता है तो जब बताया जाता है कि भगवान क्या रूप है तो हमें क्या लगता है कि भगवान का फॉर्म का भी क्या होगा विनाश हो जाएगा और भग, पर भगवान तो अविनाशी है भगवान का विनाश कैसे हो सकता है तो अगर भगवान का विनाश नहीं हो सकता बाई डेफिनेश भगवान अनलिमिटेड है और भगवान का विनाश नहीं होता और हर रूप का विनाश होता है तो इसका मतलब भगवान का रूप नहीं है ऐसा कंक्लूजन निकालते हैं जिनकी बुद्धि कम होती है लेकिन जो वास्तव में जिन्होंने शास्त्र पढ़े वो क्या कहते हैं कि हाँ भगवान का रूप है और हर भौतिक रूप का श्रेय होता है और भगवान के रूप का श्रेय नहीं होता क्योंकि भगवान का रूप आध्यात्मिक है जो क अल्प बुद्धि के होते हैं वो अल्प बुद्धि तो नहीं कहेंगे भगवान तो उन्हें अबुद्ध ही कह रहे हैं मूर्ख लोग ही कह रहे हैं वो ये नहीं देख पाते कि भगवान की जो फॉर्म है वो भौतिक नहीं आध्यात्मिक होती है ब्रह्मा जी कह रहे हैं प्रार्थना में ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह उनका सच्चिदानंद विग्रह उनका भूमि अपो अनल भूमि अपो भूमि खम अप अर्थ वाटर फायर एयर इथियर उनका शरीर नहीं होता भूमि अपो अनल वायु खम अनुबुद्ध रेपचार ये वाला शरीर नहीं होता उनका कैसे दिव्य देह है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं जब भगवान खाते हैं खाते नहीं है चलते हैं चलते नहीं है भगवान कार्य कर रहे हैं नहीं भी कर रहे तो ये पूरी कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन कैसे रिजोल्व होते हैं प्रॉपरली की कमेंट्री पढ़ते हैं और ये समझते हैं कि वास्तव में भगवान का जो रूप है वो दिव्य है तीसरा कई लोग प्रश्न उठाते हैं कि भगवान तो हर जगह व्याप्त है बिल्कुल ठीक है भगवान हर जगह व्याप्त है तो अगर हर जगह व्याप्त है तो उनका आकार कैसे हो सकता है क्योंकि जो निराकार है वही व्याप्त हो सकता है साकार थोड़ी ना व्याप्त होगा तो अगर हम कहते हैं कि भगवान साकार हो गए तो इसका मतलब हम कह रहे हैं कि भगवान क्या है लिमिटेड हो गए है ना पर वास्तव में अगर हम कहते हैं कि भगवान साकार नहीं है तो ये लिमिटिंग है समझ रहे हैं बात ये कहना कि भगवान साकार है इससे भगवान का जो व्यापक रूप है वो वो व्यापकता वो नहीं आ पाती तो वो लिमिट कर रहे हैं लेकिन हमारा प्रश्न यह है कि वास्तव में अगर हम ये कहते हैं कि भगवान साकार नहीं है तो हम भगवान को लिमिट कर रहे हैं क्योंकि जब अगर कोई भगवान है तो वो पूर्ण है तो वो उसमें सब कुछ है तो हम कह रहे हैं कि इतनी सारी चीजों का रूप हो सकता है तो क्या भगवान का रूप नहीं होगा तो भगवान का भी रूप है तो हमें यह समझना है भगवान एक ही टाइम पर साकार भी है और निराकार भी है तो हम भगवान को लिमिट नहीं कर सकते कि इससे भगवान निराकार ही है या फिर भगवान से ही है नहीं भगवान अगर है तो वो सब कुछ उसमें सम्मिलित है जो हमारे अनुभव के अंदर है प्लस उनके अंदर वो भी सम्मिलित है जो हमारे अनुभव के बाहर है तभी वो भगवान है तभी वो सर्वश्रेष्ठ है अगर भगवान के अंदर कुछ चीज माइनस है तो वो पूर्ण नहीं है और ईश्वपनिषद कहते हैं ओम पूर्ण इधम पूर्ण ओम पूर्णम अदा पूर्णम इदम पूर्णम उच्चते कि भगवान पूर्ण है और पूर्ण से पूर्ण जगत भी निकल जाता है तो भी भगवान पूर्ण ही रहते हैं इसे कैसे समझे इसे जैसे, जैसे किसी ने मैथ पढ़ा है तो मैथ में बहुत आसान है कि जैसे इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी में से अगर मान लीजिए आपने फाइव घटाया पांच कम कर दिया तो क्या निकलता है आंसर इन्फिनिटी इन्फिनिटी में से दस घटा दिया तो क्या इन्फिनिटी इन्फिनिटी में से करोड़ घटा दिया तो क्या है इन्फिनिटी तो उसी तरह भगवान इन्फेनाइट है और इन्फिनाइट में से अगर कुछ पूरा निकल भी जाता है तो क्या भगवान फिर भी इन्फिनिट है इन्फिनाइट माइनस इंफिनिटी भी इन्फिनिटी है सो दिस द फॉर्मुलास है ना तो दिस इज द वे वी कैन अंडरस्टैंड कि भगवान साकार भी है और निराकार भी है इधर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ओके सो थैंक यू वेरी मच हरे कृष्ण शिल प्रात की जय ग्रंथराज भगवदगीता की